नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। जम्मू कश्मीर यूटी की मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो आए दिन अब प्रदर्शनों का अड्डा बनकर रह चुकी है। यहां पर आए दिन प्रदर्शन किए जाते हैं, सरकार से बातचीत करने की कोशिश की जाती है, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए रोड पर जो है वो इस समय हर व्यक्ति को उतरने को देखने को मिल रहा है, चाहे वो इस समय स्टूडेंट्स हो, पढ़ाई को लेकर एस्पायरेंट्स हो, या इस समय जॉब को लेकर, रेगुलराइजेशन को लेकर, या प्राइवेटाइजेशन को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर व्यक्ति हो, इस समय हर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर यूटी में परेशान नजर आ रहा है। हालांकि जब जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया था, यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब ये कहा गया था कि अब जम्मू कश्मीर की जितनी भी समस्याएं हैं उनका सभी का सभी समाधान जो है वो निकाला जाएगा। लेकिन जब से यूटी बनी है उसके बाद से लगातार प्रदर्शन यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और वहीं अगर बातचीत करूँ अब आने वाले समय में जो सफाई कर्मचारी है वो भी अपनी मांगों को लेकर अब हड़ताल पर जाने के लिए जो है वो तैयार बैठ चुके हैं। बहुत बार उन्होंने बैठकें भी की, अपने विज्ञान जो है वो अपने मेमोरेंडम्स भी सबमिट करवाए हैं, अपनी जितनी मांगे हैं उनको भी संज्ञान में लाया है, बातचीत भी सफल हुई है, आश्वासन भी मिला है, लेकिन आश्वासन के बाद जो है जो नहीं मिला वो उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। एक बार फिर से उनकी ओर से कहा गया है कि अब वो एक बार फिर हड़ताल पर जा रहे हैं। 15 तारीख तक का अभी भी समय जो है उनकी ओर से सरकार को दिया गया है, नगर निगम को उन्होंने ये अल्टीमेटम दिया है कि 15 मार्च तक अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो वह अनिश्चित काल अपनी हड़ताल पर चले जाएंगे। और आपको देखने को मिलेगा तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आपको सिर्फ गंदगी का ढेर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर को इस समय स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। जम्मू में स्मार्ट सिटी को लेकर अलग अलग प्रोजेक्ट्स तो लाए जा रहे हैं, लेकिन अगर सफाई देखने को मिलती है, एक स्मार्ट सिटी देखने को मिलती है, वो सिर्फ सफाई कर्मचारी को के माध्यम से जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन इन सफाई कर्मचारी की जो मांगे हैं वो लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है और इनकी मांग को कोई पूरा करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कोरोना काल में भी इनकी ओर से लगातार जो है वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म किया गया है, जबकि हर कोई व्यक्तिगत पर था। तो फिलहाल मैं आपको ये तो बता रही हूँ कि 15 से सफाई कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर जा रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे जो हैं वो क्या कुछ मांगे हैं वो भी इन्होंने बताई हैं। तो मैं आप लोगों से जो है वो जरूर साझा करूंगी कि क्या कुछ मांगों को लेकर इनकी ओर से हड़ताल में जाया जा रहा है। तो इनकी जो पहली मांग है वो ये है कि जम्मू नगर निगम का पुनर्गठन किया जाए। शहर में 23 से लेकर अब 75 वार्ड जो हैं वो पहुंच गए हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी उतने के उतने ही हैं। पहले 23 वार्ड के लिए जो सफाई कर्मचारी नियुक्त किए गए थे, 75 जितने भी सफाई कर्मचारी हैं और जितने भी वार्ड हैं अभी भी उतने ही सफाई कर्मचारी उतने बड़े हुए वार्ड में जो है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। 600 सिविक सफाई कर्मचारियों की भर्ती जो है वो जल्द से जल्द की जाए। UPSC भी एक साल में भर्ती कर लेता है, 3 साल से 600 सफाई कर्मियों की भर्ती जो है वो अभी तक नहीं हुई है, तो जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति भी की जाए। यूटी नियमों के तहत जो डेली वेजर्स का वेतन है वो बढ़ाया जाए। निगम के डेली वेजर 6,700 रुपये मासिक ले रहे हैं, यूटी नियमों के तहत 18,000 रुपये जो है उनके किए जाए, ये कुछ उनकी जो है वो तीसरी मांग है। फील्ड सफाई कर्मचारी को 2.5 दिन का वेतन जो है वो दिया जाए, और वर्षों से ये मांग जो है वो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई है। 7 साफ पूरा कर चुके 600 डेली वेजर सफाई कर्मचारी को नियमित किया जाए। हालांकि आपने इसमें ये देखा होगा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी में तब्दील किए हुए जो है वो लगभग 2-2.5 साल हो चुके हैं। 2019 में फैसला लिया गया था, लेकिन अभी भी यूटी में जो नियम रहते हैं वो नई नियम यहाँ पर लाए गए हैं। अभी भी स्टेट वाले नियमों के अनुसार ही इन डेली वेजर्स को पेंशन जो उनकी तनख्वाह रहती है, जो मासिक उनके पेमेंट रहती है, उसी हिसाब से दिया जा रहा है। 6,700 अभी स्टेट वाले हिसाब से दिया जा रहा है, जबकि यूटी की बात करूँ तो यूटी में 1800 का नियम है, 18,000 का जो है वो नियम लगाया गया है, लेकिन अभी भी इनको उसी हिसाब से जो स्टेट के अकॉर्डिंगली है उसी हिसाब से इनको पेमेंट दी जा रही है। तो ये लगातार अपनी इन कुछ मुख्य मांगों को लेकर प्रशासन से बातचीत भी करते नजर आए हैं। नगर निगम में इन्होंने अपना मेमोरेंडम भी दिया, लेकिन अब नगर निगम को इन्होंने अपना अल्टीमेटम दे दिया है कि अभी भी हम कुछ समय दे रहे हैं, 15 तारीख तक इनकी मांगे अगर ये भी पूरी नहीं हुई तो इनकी ओर से अनिश्चित काल स्ट्राइक यानी हड़ताल कर दी जाएगी, जिससे लोगों को
काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी, क्योंकि आए दिन आपको हर जगह जो है वो गंदगी के ढेर देखने को मिलेंगे। तो इनकी ओर से अनिश्चितकाल स्ट्राइक की घोषणा जो है वो कर दी गई है। हालांकि देखने वाला ये होगा कि प्रशासन अब 15 तारीख तक वेट करती है इनकी मांगों को पूरा करने के लिए, या अभी जो है इनकी मांग पूरी कर दी जाती है। तो आने वाले समय में किस तरह से स्थिति बन रहेगी, मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास जरूर करूँगी। फिलहाल आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा, और देखते रहिए बाहुबली एक्सप्रेस।